और मम्मी मम्मी वो चला गया मम्मी मम्मी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? तो आज हम तैयार हो गए मतलब मैं और मम्मी जा रहे हैं आज बैंक, और मम्मी का भी कोऑपरेटिव बैंक में काम है। मेरी पहली वाली वीडियो में भी शायद आपने देखा होगा, मैं गई थी मम्मी के साथ। तो आज फिर से जा रहे हैं हम, और मेरे को भी दादी का काम था ही SBI में, तो हमने कहा साथ ही चल लेते हैं। तो चलो, आज हो सकता है आपको आधे मार्केट जो परसों आधे ब्लॉग में दिखा था उसका आधा और दिखा दे। तो चलो आपसे मिलते हैं अब सीधा मार्केट में। तो ये है हमारा छोटा सा क्यूट सा कोऑपरेटिव बैग, यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म। और मम्मी लोग यहाँ पे ले रहे हैं जलेबी। ये है नीचे वाला मार्केट, और आगे भी दिखाती हूँ। अब मम्मी लोग यहाँ से पाखुला ख़रीद रहे हैं, जो मैंने कल पहना था ना, तो वही मम्मी लोग ख़रीद रहे हैं। और ये है मार्केट, और यहाँ पे है PNB बैंक, और ये है वो पुल जहाँ तक मैं आई थी परसों। बाकी मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ घर। ये नीचे पिंडर नदी है हमारे यहाँ पे, और घर दिखाती हूँ आपको यहाँ से, क्योंकि पुल घर से तो हमारा पुल दिखता ही है, तो पुल से हमारा घर भी दिखेगा। हमारा पुल नहीं, सबका पुल, थराली का पुल, लेकिन घर हमारा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखो वो रहा ग्रीन कलर का, दिख रहा है यहाँ से घर हमारा, देखो ना। रूबी और डब्बू दोनों माँ बेटे यहाँ पे हैं, फिर ये घर पे खाना नहीं खाते, दोनों यहाँ चिकन खा रहे हैं। तो देखो अब ये दूसरी दुकान पे आ गए हैं वसूली करने के लिए, एक दुकान वाले ने दे दिया, अब ये दूसरे से लेंगे। दोनों के दोनों दिन भर यहीं रहते हैं, और रूबी अपनी बेटी को भी यहीं लेके आई थी, तभी वो खोई थी, देखा होगा आपने व्लॉग में। अब उस पहाड़ पे धूप है और हमारी वाली तरफ हो गया अंधेरा। तो बदतमीज, तो अपने घर के बंदर क्यों नहीं भगा रहे, यहाँ के लोगों के बंदर भगा रहे, इतना पिटेगा ना तू, तो इतना पिटेगा ना, तो छुंदर सा है तू, जा जा जा, चल हमारे साथ घर, चल चल घर, चल घर, चल चल घर, रूबी को भी लेके आ, चल चलो 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 घर घर, चलो घर, चलो घर, चलो घर, चलो घर, चलो। रूबी, ए रूबी, आ गए मार्केट से, और मेरे साथ बैठा है ओलू। इसे ना ठंड लग गई है, इसके मुंह से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, देहरादून में हुआ था इसके साथ ऐसे ही। तो अब आज बनानी है हमें ओलिव के लिए, बोल रही थी मैं अब्बू के लिए मटरी। अब्बू इतने टाइम से बोल रहा है कि मुझे मटरी खानी है, जब से हम बुआ के घर से आए ना तब से उसे मटरी खानी है, तो आज उसके लिए मटरी बना देते हैं। और बैंक के हमारे सारे काम ख़त्म हो गए, दादी का भी नंबर चेंज करवा दिया है, मम्मी के भी काम हो गए हैं, सब हो गया। अब बस कल कल का दिन और है, परसों हम लोग निकल जाएंगे देहरादून के लिए, मैं अब्बू और ओलिविया। पहले मैंने सोचा था ओलिविया को यहीं छोड़ देती हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और मिंकू भी आ रहा है, फिर तीन तीन कुत्ते हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और मिंकू जो है वो ओलिव को देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है, तो अभी उसे थोड़ा सा यहाँ पे आदत पड़ने देते हैं, उसके बाद फिर ओलिव को यहाँ पे, उसके बाद फिर ओलिव को यहाँ छोड़ देंगे। तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, और मैं भूल भी गई थी खाना खाना। ये है शिवम, हाय कर दो शिवम, हाय कर दो, हाय। ये है शिवम, ये यहाँ पे ऊपर रहते हैं हमारे घर के, और मैं खाना खाना भूल गई थी, तो अभी मम्मी ने मुझे याद दिलाया। तो अब अंधेरा, यहाँ तो लाइट ही नहीं आ रही है, मम्मी लाइट क्यों नहीं आ रही होगी? तो अब खाते हम खाना, और मम्मी लाई है जलेबी। अंधेरा हो रखा है पूरा, मम्मी लाई हुई है जलेबी। मम्मी किसके लिए लाई है तुम जलेबी? मैं तो खाती नहीं। चलो ठीक है, फिर और खा लेंगे। चाय वाला सीन तो दिखा नहीं पाएंगे हम आज, मम्मी की चाय दिखाते हैं, क्योंकि दादी पापा ने तो चाय पी ली है अपने आप, हमें लेट हो गई आज, तो दादी और पापा ने चाय पी ली, आज हम दिखाएंगे दादी की कॉफ़ी सीधा फिर तो ये बन रही है मम्मी की चाय, और मैं खाती हूँ खाना। कुछ नहीं मम्मी, वो खेल रहा है लकड़ी से, तो आज बना है कड़ी, कड़ी जैसा, कड़ी जैसा, कड़ी जैसा। कल मैं पीली दाल बनाऊंगी अपने लिए, मैं तो सुबह उठना पड़ता है ना, ये लोग 7 बजे खाना बना देते हैं, 7 बजे ही इनका चावल भी बन जाता है, दाल भी बन जाती है, मतलब जो भी सुबह रोटी सब्जी सब बन जाता है 7 बजे।
सकते ही सुबह उठना तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, टास्क है, लेकिन चलो देखते हैं। मम्मी कल अरहर की दाल मैं बनाऊंगी। देखा, मुझे पता था, मैं पहली बोल चुकी हूँ ये। मुझे पता था यही आएगा, उठना मत। तो चलो देखते हैं फिर, मतलब मैं अपने लिए बाद में बना लूँगी उठ के अरहर की दाल। तो अभी यही खाते हैं कढ़ी और चावल। ये रही दादी की कॉफ़ी। हमारी सारी ट्रेज ना यहाँ पे चूल्हे पे रख रख के हो चुके हैं अब गंदी, तो चलो ओहो गिर गई, दादी से मिलवाते हैं। दादी ये ले, कल आ रहे हैं बुआ लोग। हाँ वहाँ तो आ गए वो आज, वो अब कल यहाँ आ रहे हैं। ये लो, तो मैं मिलवा रही हूँ सबसे। बोलो हाय, बोलो हाय लोगों को, बोलो हाय जो लोग तुम्हें देखते हैं। रिचा दीदी कल नहीं बोल रही थी दिन दहाड़े नाने तुम रजाई में घुसी हुई हो। बोलो हाय, और ये कॉफी पी लो। अब क्या चाहिए तुम्हें, भूख लग गई? इतना तुमने वहाँ नीचे चिकन मटन खाया, अब तुम्हें भूख लगी है? कल तो मिंकू भी आ रहा है। रूबी तुम मुझे इधर देखो, बाजार में इग्नोर कर रही थी, इधर आओ। और रूबी तुम इग्नोर कर रही थी ना वहाँ पे, नजरें भी नहीं मिला रही थी अपनी। मम्मी नहीं टूट रहा है, बहुत मजबूत है। कहाँ है? तो मम्मी छिल्ला फाड़ रही है, छिल्ला जिससे आग जलाते हैं ना, वो चीड़ का होता है मम्मी। है यह है चीड़ की लकड़ी, तो इसमें वो होता है ना लीसा रेजिन, तो इससे जल्दी आग लगती है। आज तो मम्मी आग नहीं जला पा रही हो तुम भी। एक घंटा हो गया आग नहीं जल पा रही है। ये आखिरी कोशिश है, इसके बाद चूल्हे पे खाना बनेगा। वो देखना वहां पे कौन है, वो देखना। मम्मी मत करो, मम्मी इन्हें ना दिखाई नहीं देता, ये चुचुंदर है ना, इसे दिखाई नहीं देता। लकड़ी ले गया। अरे बेवकूफ, वो लकड़ी है। मम्मी हाथ से क्यों पकड़ रही है? काट देगा वो। भाग गया। देख रहा हूं, देख चुटी चुटी। आज हमारी माता ने आटा कम गूंदा है। क्यों किया ऐसा? ताकि मम्मी मुझे काम दे सके आटा गूंदने का, क्योंकि मैंने मम्मी को काम दिया रोटी बनाने का, तो मम्मी ने मेरे से बदला लिया। बदला हाँ, बदला। अब मैं आटा गूंद रही हूँ, मुझे जो सबसे बुरा लगता है काम वो कर रही हूँ, फेवरेट। और ये फिर से आ रहा है, वो देखना कैसे झांक रहा है वहां से। अभी देखना आएगा वहां से झांक रहा है वो। मम्मी ये तेरे शॉल के नीचे से आ गया। मम्मी वो रहा। वो देखना कहाँ है, गया कहीं नहीं गया, गिरा। ये देखना कितनी लंबी चोंच है इसकी, ये देख। मम्मी ये आटे की परात में गया ना, अगर नीचे कैसे परात ही आ रहा है। मम्मी मेरी तरफ आया ना ये, वो रहा बात चली गया। कैसे कैसे मम्मी कैसे कर रही, जैसे पालतू होगा वो हमारा, हमने पाल तोड़ी रखा है उसे, इतने प्यार से उसे रास्ता बना रहे हो उसके लिए। देखो अब्बू अब फाइनली जाके आया है व्लॉग में पूरे दिन भर से, क्योंकि इसके गात कव्वा आ रखा था, मैं सो रखा था। मम्मी अब इसकी मीनिंग बताओ कि इसके गात कव्वा आ रखा था। क्या मीनिंग बताना है? जो चिढ़ जाता है एकदम, खाते खाते भाग जाता है उसको कव्वा कहते हैं।
तो इसके साथ वही हुआ था, इसलिए कल से हो रखा था, कल इसने रात में खाना भी नहीं खाया इस चक्कर में। मेरा मन नहीं कर रहा था तो मेरा पेट भरा हुआ था, मैं कॉफी पी रही थी। बहाने अब ये पी रहा है कॉफी, अपनी कॉफी रात में पी रहा है ये। बनती नहीं आज का डायल बना, क्या करूँ मैं। तो ये कॉफी बना रहा है और मम्मी ने मुझे बस रोटी रोटी दी है, सब्जी तो दी नहीं। रोटी ही खाओ, मेरी बच्ची भी पनीर, मेरी बच्ची भी मटर मटर खाओ। तो अभी देखा ना आपने, वो आ गया था, वो अभी भी यहीं घूम रहा है, वो लंबी सी नाक वाला छुछुंदर। और मम्मी उसे ऐसे प्यार कर रही है जैसे हमारा पालतू होगा वो। और मम्मी मम्मी वो चला गया, मम्मी मम्मी। चोरी करने चला गया वो, दही पीने आया था। बहुत प्यार दिखाया ना तुमने उसे, इसलिए अब वो बर्तनों में मुंह मारने लग गया है। उसे तुमने उंगली दी, वो तुम्हारे हाथ पकड़ रहा है पूरा। लो छुछुंदर के साथ हम करते हैं अपना ब्लॉग एंड, आज के लिए इतना ही। और कल आ रहे हैं हैप्पी भैया लोग, तो कल मिलते हैं उनसे और देखते हैं क्या क्या होता है। और बाकी ठंडी दे सकता हूँ, मुझे धुआं निकल रहा है। हाँ तो हम आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। अगर आपने तो वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेजेंड पहाड़न। थैंक यू।